कुछ रीत जगत की ऐसी मामी मामा की तबीयत कैसी है? जिस दहेज के लिए मेरी बहन ने जान दी उसकी यादें भी उसी दहेज के साथ चली गई। अब ठीक है। थैंक गॉड। अब नंदिनी को बताया नहीं है ना? आप बैठे, मैं जरा देखती हूँ ये दोनों पानी लेने गए हैं या बातें करने गए हैं। मामा जी, जय श्री कृष्ण। मितेश कैसे हो? क्या मिला तुम्हें मुझे जलील करके नरेंद्र कुमार? इतने सालों में थोड़ी बहुत जो इज्जत कमाई है, जो आत्मसम्मान बनाया है, वो सब लूट लिया तुमने। मामा जी, हुआ क्या है? आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? हुआ ये है नरेंद्र कुमार कि मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत थी होटल का बिल पे करने की? तुम्हें लगा होगा कि हमारी हैसियत नहीं है तो तुमने नहीं। मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपके कंधों से थोड़ा बोझ कम करना चाहता था, दैट्स इट। मेरे कंधे का बोझ कम करने की बजाय तुमने मेरा दिल का बोझ बढ़ा दिया नरेंद्र कुमार। कितना भला बुरा सुनाया तुम्हारे बाबूजी ने मुझे। क्या इज्जत रह गई मेरी उनकी नजरों में। मैं अपनी नजरों में भी गिर गया और उनकी नजरों में भी गिर गया नरेंद्र कुमार। बापूजी को कैसे पता चल गया इस बारे में? मेरा आत्मसम्मान छीन लिया आपने। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन आपके आत्मसम्मान को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस आपकी मदद करना चाहता था, दैट्स इट। जीजू, आपने जो कुछ भी किया उससे पहले एक बार मामा जी से पूछ लेते। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, इतनी महंगी होटल मत बुक करवाई। मेरा मन था बेटा, मुझे लगा कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में जुड़ रहा तो उसके ससुराल वालों का थोड़ा मैं अपनी हैसियत के हिसाब से मान सम्मान खातिरदारी करूं। लेकिन आपकी एक हरकत ने मेरे फैसले पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। मामा जी, मामा जी, मैं जानता हूं कि मैंने आपका दिल दुखाया है और उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन मामा जी, मैं ना बस आपका फाइनेंशियल बर्डन शेयर करना चाहता था और कुछ नहीं। एंड आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था कि ये बात बाबूजी को पता चल गई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको मेरी वजह से बाबूजी से बातें सुननी पड़ी। लेकिन मामा जी, इधर देखिए, मेरा यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी इज्जत मेरे बाबूजी के लिए है। आपके दिल में होगी नरेंद्र कुमार जी। लेकिन आपके बाबूजी के दिल में मेरे लिए दो कौड़ी की इज्जत भी नहीं है। मामा जी,
नंदिनी, 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 I'm really sorry. मेरी वजह से मामा जी को बापूजी से अपमानित होना पड़ा, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मैं समझती हूँ कि आपका इंटेंशन मामा जी का फाइनेंशियल बर्डन शेयर करना। हाँ। नरेन जी, मेरे मामा जी एक बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है, जो आदमी पूरी जिंदगी अपनी मेहनत के दम पर जिया, वो ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि कोई और उसका खर्च उठाए। नंदिनी, बिल्कुल सही कहा तुमने, और मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों नहीं? How can I be so stupid? मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये बात पता, मैं अपने ससुराल सर उठाकर कैसे जाऊंगी? नेकलेस, कौन सा नेकलेस? वही जो एमएलए अर्जुन खिमजी ने शादी के वक्त गिफ्ट दिया था, और हमारी गैर मौजूदगी में तुमने उसे रिसीव किया था। एमएलए मिस्टर अर्जुन खिमजी ने मिस्टर और मिसेज नरेंद्र रतन सिंह के लिए सॉरी के साथ गिफ्ट भेजा। थैंक यू। तुम्हें कितनी बार बोला कि दरवाजा मत खोलो? अच्छा बाबा, सॉरी नहीं खोलूंगी अब ये लाओ, मैं संभाल के रख देती हूँ, तुम अपनी टाल संभालो। क्या हुआ, याददाश्त हो गई तुम्हारी? नहीं, हाँ, याद आया मोटा बापू, मैंने रिसीव किया था वो। वो नेकलेस तुमने रिसीव किया और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा तुमने? I'm sorry, मोटा बापू, मैं आपको बताना भूल गया, यहीं कहीं रखा था मैंने, या मेरे कमरे में होगा, मैं जाके चेक करता हूँ। अभी के अभी जाकर लेके आओ मेरे कमरे में, जाओ। जी। बेचैनी सी हो रही है, मैं आती हूँ। हूँ आओ। रूपा, तुझे नेकलेस के बारे में पता था क्या? नहीं मोटा काकी, मैं तो आप लोगों के साथ उपलेटा में थी ना। कहाँ जा सकता है? कहीं ये? ये इतना परेशान क्यों है? कहीं इसने वो नेकलेस घुमा तो नहीं दिया है? या फिर बेच के खा तो नहीं गया? मुझे तो यही लगता है पप्पा जी। अब मजा आएगा पप्पा। उधर मोटा बापू ने ईश्वर तामरिया को फोन पर जलील करके नरेन, नंदिनी और ईश्वर तामरिया के बीच महाभारत छेड़ दी, और उधर रौनक ने वो हार खोकर। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, खोया नहीं होगा, बेच खाया होगा उसने। अरे पर जलपा, जलपा बहू सही बोल रही है बेटा, रौनक लापरवाह तो नहीं है, हाँ उसके खर्चे बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब रौनक का होगा क्या? ये मितेश, देख दोनों को कितनी जल्दी है फेरे लेने की। ये देख 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 मोंटू। मितेश, देख मेहुल भाई। अरे देखने के साथ साथ है ना, नाश्ता भी करना है। सरस लगे नितेश, ये रिवाइंड करना थोड़ा। हाँ हाँ पता है, तेरे फेरे हो रहे हैं। नहीं नहीं विशाखा बहन, इनको ये नहीं देखना है कि फेरे हुए कि नहीं हुए, इनको तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा फूल किस पे बरसे हैं।
जीजू पे या फिर उस पे? मितेश, मुझ पे। हाँ है ना? रिवाइंड कर, चल। अबे। थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। रुक रुक। नहीं नहीं बहुत पीछे हो गए, थोड़ा फॉरवर्ड कर। अरे यार। हाँ बस। मामा, ये आप इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? अरे मैं कहाँ टेंशन में लग रहा हूँ? नहीं नहीं मामा जी, आप टेंशन में लग रहे हैं। ये क्या हाथ में क्या है? प्रॉपर्टी की फाइल? एक सेकेंड, क्या बीच फंक्शन में से कहां जा रहे हैं? वो अरे हाँ याद आ गया। अरे वो क्या था ना, मेनू जो रखा था ना खाने का, उसमें से दो आइटम नहीं आई थी, तो ये है ना केटरर से बात करने के लिए भागे थे, है ना? हाँ। नहीं तो बोला था भूल जाते बात। हाँ बाबा। नहीं नहीं नहीं, केटरर कहाँ से आ गया यहाँ पर? मुझे अच्छे से याद, मामा ने कहा था कि वो बापूजी को खेत दिखाने लेकर गए थे। हाँ अरे तो खेत दिखाने भी लेकर गए थे ना? क्या है, पहले केटरर के पास गए, फिर बाद में हेमराज भाई को खेत दिखाने के लिए गए थे। हाँ, है ना? तो क्या बहस शुरू होगी तुम लोगों की, ये बंद करो। बंद करो, खाओ पियो। आप लोग खाइए ना, इतनी मेहनत करके मैंने नाश्ता बनाया, खा तो नहीं रहे? काका ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि लैपटॉप बंद करवा दिया, कोई और बात ही नहीं हो रही थी इस चक्कर में। टॉपिक चेंज। हाँ टॉपिक चेंज। नहीं 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 एक मिनट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।